करने में इंटरेस्ट नहीं, खुद के अहंकार से भरा हुआ ये सरकार मुंबई लोगों मुंबईकरों को रास्ते पर रखने का काम कर रहा है। और महाविकास आघाड़ी विश्वासघात यह मुंबईकरों के साथ किया है, इसलिए युवा मोर्चा ने यह विश्वासघात आंदोलन करके धिक्कार करने के लिए आज यह सारे युवा मुंबईकरों की भावना लेके खड़े है। नहीं, यह मनोज सौनिक समिति का अहवाल देवेंद्र जी ने लोगों के सामने लाया है। हमारे लोढ़ा जी अभी आए हैं, वो बाकी सब चीज़ें बताएंगे। और यह मनोज सौनिक समिति ने यह अहवाल के माध्यम से यह प्रकल्प पूरा नहीं हो सकता है अगर हिलाएंगे प्रकल्प फिजिबिलिटी जाएंगी तो। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी यह विश्वासघात सरकार के खिलाफ आज रास्ते पे उतरी है। मैं आए हुए सभी कार्यकर्ता और मुंबई पर हूँ आपके लिए माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में शांति समृद्धि प्राप्त हो। हम सभी के बीच उपस्थित महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता माननीय प्रवीण भाई दरेकर जी, नगर सेवक माननीय सुनील यादव जी, अशोक पांडे जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बच्चों का भी आज भाजपा युवा मोर्चे ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मुंबई के नागरिकों के हित में यहाँ पर शुरुआत की है। और ये शुरुआत है, ये आंदोलन की शुरुआत है, ये जागरण की शुरुआत है। हमसे जब कहा जाता था कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज वो बताएं कि मेट्रो को लटकाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब मेट्रो पूरा होने वाला है। जो मेट्रो मुंबई की लाइफ लाइन है, वो मेट्रो को माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इतने आगे लेके गए थे, केवल थोड़ा समय और मिलता तो आज की डेट में यदि देवेंद्र जी की सरकार रही होती तो मेट्रो शुरू हो गई होती। आज उन्होंने पूरा उसको नेस्तनाबूत कर दिया है। जहाँ पर यार्ड बनने वाला था वहाँ से हिलाकर दूसरी जगह यार्ड बनेगा, वहाँ पर कांदल बने, एनवायरमेंट की परमिशन कब आएगी, कब टेंडर होगा, कब कंस्ट्रक्शन होगा, कब लोगों को मेट्रो मिलेगी। मुंबई वाले रुकने को तैयार नहीं है। सरकार को मेट्रो के बारे में प्लान बताना पड़ेगा, तारीख बतानी पड़ेगी, शेड्यूल बतानी पड़ेगी। ये लोगों का पैसा है, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, मुंबई के टैक्स पेयर का पैसा मुंबई के लिए उपयोग में होना चाहिए। इस मांग को लेकर युवा मोर्चे के लोगों ने आज ये कार्यक्रम कराया और मैं आपके माध्यम से मुंबई की जनता से अपील करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चे के साथ में आइए। महाराष्ट्र सरकार ने आरेतला कारशेड रद्द करून कांजूरमार्गच्या ठिकाणी कारशेड करणार म्हणून अशी घोषणा केली, हा पूर्ण मुंबईकर जनतेला उल्लू बनवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा हा प्रयत्न आहे। ज्या 2015 टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्टचा दाखला महाविकास आघाडी सरकार देत आहे, त्या 2015 टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं गेलेलं आहे की कांजूरमार्गची जागा योग्य आहे, पण कांजूरमार्गच्या जागेवरती लिटिगेशन असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती मेट्रोच्या प्रकल्पाची याच्यामध्ये दिरंगाई होऊ शकते आणि मेट्रोचा प्रकल्प हा मुंबईकर जनतेसाठी मुंबई शहरासाठी अतिआवश्यक असून किती काळ मेट्रोचा प्रकल्प हा आपण प्रलंबित ठेवावा याचा विचार सरकारला केला पाहिजे। आरेची जी जागा आहे त्या आरेच्या जागेमध्ये कोणतीही लिटिगेशन नाही, सरकारच्या ताब्यात जागा आहे, परंतु काही झाडं त्या ठिकाणी कापावी लागतील अशा प्रकारचा अहवाल 2015 त्यास आमचं सरकार असताना त्या टेक्निकल इव्हॅल्युएशन कमिटीने दिला होता। म्हणजे त्या 2015 टेक्निकल इव्हॅल्युएशन कमिटीच्या अहवालानुसार सुद्धा कांजूरमार्गच्या जागेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लिटिगेशन असल्याची नोंद त्याच्यामध्ये आहे। आणि याच सरकारच्या काळामध्ये ACS मनोज सैनिक यांच्या नेतृत्वामध्ये जी कमिटी स्थापन केलेली होती त्या कमिटीने सर्व ऑप्शनचा सारासार विचार केल्यानंतर कोणतंही ऑप्शन, मग ते बॅगबेचं असेल किंवा कांजूरमार्गचं असेल किंवा अन्य कोणतंही ऑप्शन, हे टेक्निकली आणि इकॉनॉमिकली फिजिबल नाही, वेळेच्या अनुसारसुद्धा फिजिबल नाही। आणि त्यामुळे कारशेड ही आरेमध्ये करण्यापासून दुसरा कोणताही पर्याय
हा सरकारच्या पुढे नाही अशा प्रकारचं वक्तव्य मनोज सैनिक साहेबांच्या कमिटीने, जी याच सरकारने अपॉइंट केलेली कमिटी होती, त्यांनी सुद्धा दिलेलं आहे. आणि जे लोक झाडांबद्दल विचार करतात, जे स्वतःला पर्यावरणवादी समजतात, त्यांना पर्यावरणाबद्दल काही माहीत नाही आहे. अख्ख्या जगभरामध्ये जिथे अशा प्रकारे पर्यावरणाला डॅमेज होतं, त्याचं पर्यावरणाचे मिटिगेशन मेजर्स असतात. आणि त्यामुळे एकाच्या ऐवजी तीन झाडं लावणं, मेट्रो ही ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आहे, आणि 2400 झाडांची कत्तल झाल्यामुळे जेवढं कार्बन फुटप्रिंट निर्माण होणार ते ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम फक्त 80 दिवसामध्ये ते भरून काढतं. आणि या कुठल्याही गोष्टीची जाण, कार्बन फुटप्रिंट, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन असेल किंवा क्लायमेट चेंज असेल, याची कोणतीही जाण या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांना, या राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांना किंवा या राज्याच्या कुठल्याही मंत्र्याला या गोष्टीची अजिबात जाण नाही. नुसतं राजकारण करायचं आणि काहीतरी स्वतःचं जे अपयश आहे ते झाकण्यासाठी कोणता तरी असा निर्णय करून जनतेचा जो लक्ष आहे ते दुसऱ्या कोणत्या तरी विषयाकडे त्याचं डायव्हर्ट करायचं, हे फक्त याच्या मागचं उद्देश आहे. आज त्यांनी निर्णय केलेला आहे. परंतु मी तुम्हाला सांगतो की जसं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की हा नो कॉस्ट मेट्रो नाही, हा नो मेट्रोचा ऑप्शन आहे, आणि येणाऱ्या काळामध्ये हा ऑप्शन फिजिबल नाही. अनेक सरकारमध्ये काम करणारे अधिकारी खाजगीरित्या सांगत आहेत की हा ऑप्शन फिजिबल नाही, हे होऊ शकत नाही, हा सरकारचा हट्ट असल्यामुळे हे ते करत आहेत. आणि त्यामुळे मुंबईकर जनतेला ही मेट्रो मुकावी लागणार आहे, आणि मुंबईकरांना या मेट्रोपासून दूर नेण्याचं पाप हे महाविकास आघाडी सरकारने केलेलं आहे. आघाडी सरकारने मुंबईकर के साथ में एक विश्वासघात किया है. वो प्रतिशोध की आग में मुख्यमंत्री बौखला गए हैं. इसलिए जलयुक्त शिवार जैसे एक लाभदायक प्रकल्प की ऊपर इंक्वायरी बैठा रहे हैं. तो ये बड़ी ही दुखद एक मुंबई के इतिहास में घटना है कि जहाँ पर लोगों का फायदा हो रहा था वहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी ईगो के चक्कर में लोगों का नुकसान करने में लगे हैं. किस तरह से और तीव्र आंदोलन होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर अगले 7 दिन में मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो समस्त मुंबई में माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा सभी 36 विधानसभा में तीव्र आंदोलन करेगा. जैसे आज आप सैलाब देख सकते हो लोगों का, तो जनता ये आज हमारी शुरुआत है. तो मुझे पूरा यकीन है कि सभी 36 विधानसभा में जनता हमारे साथ उतरेगी और हम गली गली तक जाएंगे और जनता हमारे साथ में जुड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ.